हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल रंजन झा और मैं अभी अभी थर्ड स्लॉट में एग्ज़ाम दिला के आया हूँ। ओवरऑल पेपर मॉडरेट था, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम द एलआर में थे पांच फ्लोर अरेंजमेंट, उसका एट फ्लोर अरेंजमेंट थे, पांच क्वेश्चन फ्लोर अरेंजमेंट के थे। उसके बाद पांच क्वेश्चंस थे मंथ वाले, और उसके बाद पांच इनइक्वालिटीज थे, पाँच पाँच दस पाँच पंद्रह हो गए। तीन ब्लड रिलेशन पे था, दो डायरेक्शन से क्वेश्चंस थे, उसके बाद पांच इनपुट आउटपुट थे। तो इनपुट आउटपुट थोड़ा सा शायद मुझे मॉडरेट टफ लगा। उसके बाद पजल फ्लोर अरेंजमेंट के पजल काफ़ी इजी थे, उसे मंथ वाला भी थोड़ा सा टफ था, और जो एक सिटिंग अरेंजमेंट आया था इनपुट आउटपुट पांच वाला, तो वो भी थोड़ा सा टफ लगा मुझे। मैंने हालांकि बनाया है लेकिन थोड़ा सा टफ था। उसके बाद अगर क्वांट्स में आते हैं तो 10 DI आए थे, जिसमें से पाँच थे पाई चार्ट वाले एकदम ईजी थे, और पाँच थे टेबलर वाले, वो थोड़ा सा टफ था, कैलकुलेटिव था। पाँच सिम्प्लीफिकेशन थे जो कि बहुत ही ईजी थे। उसके बाद सीरीज़ नहीं आया था हमारे स्लॉट में क्वाड्रेटिक आया था, क्वाड्रेटिक बहुत ही ईजी थे पांच। उसके बाद मिसलेनियस के 15 क्वेश्चंस थे, हर एक टॉपिक के वही एक दो, तो सभी इजी टू मॉडरेट ही थे, ऑलमोस्ट मॉडरेट थे। उसके बाद आते इंग्लिश में 10 RC के थे। उसके बाद 10 RC जो थे मुझे तो ईजी लगे, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन ईजी थे। उसके बाद 10 थे एरेंट्रेक्शन, जो कि मैंने पढ़े ही नहीं, लेकिन एक आध क्वेश्चन देखा मैंने तो शायद मुझे टफ लगे पर्सनली मुझे। उसके बाद 10 क्वेश्चन थे फिलअप्स के, तो एक ऐसा था कि दो सेंटेंस दिए हुए थे, एक ही आपको दोनों में उसको आपको एडजस्ट करना, हालांकि वो इजी लगे मुझे, तो 10 होते। इस तरह से 30 क्वेश्चन थे, तो ओवरऑल मैंने 54 बनाया, तो मुझे लगता है कि 50-60 एवरेज अटैम्प्ट जाने चाहिए। थैंक यू।